हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी का लाइव। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे इंटरपोलेशन क्या होता है और कंटूर्स को हम लोग कैसे बनाते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये है कंटूर्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। आप लोगों ने टोपो शीट पे अपनी बुक्स में कंटूर लाइंस देखी होंगी, समोच्च रेखाएं जिन्हें बोलते हैं, लेकिन ये कंटूर लाइंस बनती कैसे, हाउ डू वी मेक दिस कंटूर लाइंस, हम लोग ये इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ब्रीफली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कंटूर लाइन होती क्या है। हालांकि कंटूर लाइन इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ, ठीक है, उच्चावच यानी रिलीफ को मेजर करने के लिए, मतलब किसी भी पर्टिकुलर एरिया की हाइट अबव द सी लेवल को मेजर करने के लिए, को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कंटूर लाइंस को यूज़ करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ को करने के लिए हम लोग और ही मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कि हैश्योर्स, स्पॉट हाइट्स, बेंचमार्क्स, ठीक है, ट्रिक पॉइंट्स या हिल शेडिंग, ठीक है, या और भी मैथमेटिकल मेथड यूज़ करते हैं, मॉर्फोमेट्रिक मेथड यूज़ करते हैं। लेकिन कंटूर्स इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस और बहुत ही पॉपुलर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ है। जितने भी मेथड्स ऑफ रिलीफ हैं इनका रिप्रेजेंटेशन और ये क्या होते हैं इसको मैं पहले ही एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं डिटेल में। आज हम सिर्फ कंटूर्स के बारे में बात करेंगे। कंटूर्स बेसिकली होते क्या हैं? कंटूर्स आर इमेजनरी लाइन्स, देर इमेजनरी लाइन्स। ऐसी कोई मतलब ग्राउंड पे कंटूर लाइन एग्जिस्ट नहीं करती हैं, हम लोग बनाते हैं, दे आर इमेजनरी। सो दीज आर लाइन्स ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ सेम हाइट अबव अ रेफरेंस लेवल, ठीक है, अबव अ रेफरेंस लेवल। फर्स्ट दे आर इमेजनरी लाइन्स ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ सेम हाइट अबव अ रेफरेंस लेवल, एंड दिस रेफरेंस लेवल इज यूजुअली मीन सी लेवल, ठीक है। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर दो चार पॉइंट्स हैं या पांच, कुछ भी पॉइंट्स मान सकते हैं, अगर इनकी हाइट मान लो इसकी है 600, इसकी है 500, इसकी है 600, इसकी है 500, इसकी भी है 500 और इसकी है 600, ठीक। अब हमने क्या किया, इन तीनों पॉइंट्स की हाइट 500 है, तो हमने इन तीनों पॉइंट्स को एक लाइन से बना दिया, तो ये हो गई 500 की कंटूर लाइन। सिमिलरली 600 को हम लोगों ने एक लाइन से बना दिया, ये हो गई 600 की कंटूर लाइन। ओके, तो ये होते हैं कंटूर लाइंस, ठीक। अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ब्राउन कलर, मैंने यहाँ ब्राउन स्केच इसीलिए यूज किया है, ठीक। सेकेंडली दे कैन नॉट कट ईच अदर, कोई भी कंटूर लाइन आपस में ऐसे क्रॉस नहीं कर सकती, दे कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, कैन नॉट क्रॉस। ड्रॉन एट फिक्स्ड इंटरवल्स, ठीक है, जैसे यहाँ पर 500 600, अब इसके बाद जो कंट्रोल लाइन बनेगी वो 700 की बनेगी, या इसके बाद जो कंट्रोल लाइन बनेगी वो 400 की बनेगी, ठीक है। सो ये है कहने का मतलब कि ये फिक्स्ड इंटरवल पे बनते हैं, ठीक है, कोई इरेगुलर इंटरवल पे नहीं होते हैं। सेकेंडली ये ब्राउन लाइंस होते हैं और इनसे नंबर ऑफ रिलीफ फीचर हम दिखा सकते हैं, जैसे वी शेप वैली, यू शेप वैली, ठीक है, जैसे कि कॉनिकल हिल, यूनिफॉर्म स्लोप, कॉनकेव स्लोप, कॉनवेक्स स्लोप, बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हम दिखा सकते हैं, ठीक। ये जो रिलीफ फीचर्स हैं उनको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग प्रोफाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तब हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ इंटरपोलेशन जानते हैं। तो इंटरपोलेशन जानने के लिए आपको एक और चीज़ समझ में आनी चाहिए और वो होती है स्पॉट हाइट। बेसिकली हम लोग स्पॉट हाइट्स को यूज़ करते हैं कंट्रोल लाइन्स ड्रॉ करने के लिए। स्पॉट हाइट्स क्या होती हैं? सिंपली किसी भी जगह का सर्वे करके वहाँ की हाइट पता करना और वहाँ पर उस जगह की हाइट को लिख देना, उसी को हम लोग स्पॉट हाइट बोलते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर 500 500 500 600 600 600 लिखा था, ठीक, तो अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पर लिख दिया 230 और यहाँ लिख दिया 240, ठीक, तो यहाँ की हाइट कितनी है 230 और यहाँ की 240, तो बस दिस इज ओनली द स्पॉट हाइट। उस जगह की हाइट मेजर करके लिख देना इज द स्पॉट हाइट। अब यहाँ पर हम लोग उसको मेजर लिखते कैसे, एक डॉट बना के उसके बगल में उसकी हाइट, तो दिस इज सिंपली द मीनिंग ऑफ स्पॉट हाइट। ओके, तो हमारे क्वेश्चन में क्या होगा, हम लोगों को मल्टीपल स्पॉट हाइट्स दी होंगी और या तो उसमें हम लोगों को कंटूर इंटरवल दिया होगा कि इस कंटूर इंटरवल पे आपको कंटूर्स बनाने, या तो फिर आपको निकालना पड़ेगा क्या कंटूर इंटरवल्स होंगे, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास एक एक्सरसाइज है ये, ठीक है, ये एक्सरसाइज है
इसमें आप लोग देख सकते हैं मल्टीपल स्पॉट हाइट्स दे रखी हैं, देयर आर गिवन नंबर ऑफ स्पॉट हाइट्स 470, 620, 580, 505, 630, मल्टीपल स्पॉट हाइट दे रखी हैं और इसमें लिखा है कंस्ट्रक्ट अ कंट्रोल लाइंस ऑफ 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 मीटर्स। कैसे पता चलता है? अगर ये नहीं दिया है आपको सिर्फ इसकी कंट्रोल लाइंस ड्रॉ करनी है तो व्हाट यू हैव टू डू, मिनिमम स्पॉट हाइट निकालो, सबसे कम वाली स्पॉट हाइट कौन सी है। तो इसमें सबसे कम वाली स्पॉट हाइट जो है वो है 380 लग रही है मेरे को, ठीक। और सबसे मैक्सिमम कौन सी है, 1040, दिस इज द मैक्सिमम 1040 एंड मिनिमम इज 380। तो 380 से ऊपर की ही स्पॉट हाइट्स होंगी, मतलब कंट्रोल लाइंस होंगे। तो 380 से नियरेस्ट राउंड फिगर हमारा कौन सा है, 400। तो हम लोगों ने 400 का मिनिमम कंट्रोल हाइट बना लिया हमारे क्वेश्चन में गिवन है। सिमिलरली लार्जेस्ट इज 140, तो 1040 में नियरेस्ट कौन सा है, 1000। तो 1000 बना सकते हैं और 1100 नहीं बना सकते, लेकिन हमने 1000 यहाँ पर दिया हुआ है तो 1000 मीटर की कंट्रोल लाइन बनाएंगे। अब हम लोग को बनानी कैसे, बनाना का थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है ये, इसमें बहुत सारे स्पॉट हाइट्स दिए हुए हैं, इसमें इसके लिए इसका प्रोसेस ही बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपको 5-6 स्पॉट हाइट्स दी हों, उसी से आपको कंट्रोल लाइन ड्रॉ करनी हो, लेकिन इसमें बहुत सारी दी हैं तो इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। तो बेसिकली हम लोग करते हैं क्या, सबसे पहले कि जितनी भी स्पॉट हाइट्स हैं इनको आपस में जोड़ देते हैं बाय डॉटेड लाइंस, ठीक। जैसे ये जोड़ दी, फिर हमने ये जोड़ दी, तो जितनी मल्टीपल अब हम लाइन से जोड़ सकते हैं हम लोग वो हम लोग जोड़ देते हैं लाइक दिस। इसको जोड़ दी, इसको जोड़ दी ऐसे, और इन सबको जोड़ जोड़ के इनके नीचे इनकी लेंथ लिख दी। इसकी लेंथ आ रही है लगभग 3.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 3.2 लिख दिया। यहाँ पर आ रही है 3.4, तो यहाँ पर 3.4 लिख दिया। यहाँ पर आ रही है 4.2, यहाँ पर लिख दिया 4.2। तो ऐसे ही सारी स्पॉट हाइट्स को मिला करके उनकी जो उनकी लेंथ है स्केल से मेजर करके हम लोग लिख देनी है, ठीक है। तो ये कर लेते हैं, तो हम लोगों ने ये कर लिया है, सारे लेखो इतनी सारी लाइंस हम लोगों ने मिला दी और इन सब की लेंथ ये 4, 3.5, 3, 3, 3.3, 4.2, 4.6 इसे हम लोगों ने मेजर करके लिख दिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए इसमें हमने देखिए बहुत सारी लाइंस मिलाई हैं, जितनी ज़्यादा आप नेटवर्क्स बनाएंगे, जितने ज़्यादा आप यहाँ पर लाइंस बनाएंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेसी कंट्रोल लाइंस की बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आप अगर एक ही एक पॉइंट को एक ही एक लाइन से जोड़ रहे हैं तो बन तो जाएगा, काम तो हो जाएगा, लेकिन एक्यूरेट नहीं होगा प्रॉपर एक्यूरेसी। तो जितने ज़्यादा नेटवर्क्स होंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक। तो मैंने बहुत सारे नेटवर्क्स बना दिए हैं यहाँ पर, आप इसमें तो और ही बन सकते हैं। अभी जैसे ये वाला लाइन नहीं जुड़ा है, ठीक, ये नहीं जुड़ा है, ये नहीं जुड़ा है, ये नहीं जुड़ा है, ठीक। तो इनको भी जोड़ सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, लेकिन टाइम लग जाएगा ज़्यादा और एक्यूरेसी लेकिन ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक। तो लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, अब इसको भी बनाने में बहुत टाइम लगने वाला है, ओके। तो अब कंट्रोल लाइंस बनाने के लिए हम लोगों को करना क्या है बेसिकली, तो कुछ कैलकुलेटिव पोर्शन है और बहुत लंबा लेंदी प्रोसेस है ये, ठीक है। तो करते हैं, मान लीजिए ये हमारे दो स्पॉट हाइट्स है 470 और 850, ठीक है। इनको हम लोग यहाँ पर रफली बना लेते हैं, यहाँ पर 470 और यहाँ पर हमारी क्या है 850, इनके बीच की जो डिस्टेंस है हम लोग रफ काम ही है हमारा, इसको आपको कॉपी में नहीं करना है अपना 4.2, ठीक है, फेयर कॉपी में नहीं करना है, रफ में करना है। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि ये 470 है, ये 850 है, ठीक है। इनके बीच में कौन कौन सी कंट्रोल लाइंस बनेंगी, हमारा इंटरवल कितना है 100 का, तो 470 के बाद कौन सी लाइन बन सकती है इसमें 500 की, देन 600 की, देन 700 की एंड देन 800 की। इन दोनों लाइंस के बीच में चार कंट्रोल लाइंस बन सकती हैं 5, 6, 7, 800, ओके। कैसे पता चला, बिकॉज लो लो मिनिमम वैल्यू क्या है 470 और मैक्सिमम क्या है 850, ठीक। अब ये लाइंस इसके बीच में बनेंगी कैसे, तो इसको करने के लिए हम लोग पहले एक एक्स की वैल्यू निकालते हैं, कैपिटल एक्स, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन लेंथ डिस्टेंस, ठीक। तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 850 और मिनिमम वैल्यू 470। डिस्टेंस कितनी है, ये वाले डिस्टेंस लेते हैं जो हम लोगों ने यहां पर स्केल से मेजर करके लिखी थी, स्केल से मेजर करके डिस्टेंस लिखी थी इन सब में, वो लेते हैं। तो डिस्टेंस कितनी है 4.2, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 850 माइनस 470 इज इक्वल्स टू 380 डिवाइडेड बाय 4.2 इज इक्वल्स टू 90.47,
0.47। ये तो आ गई हमारी x की वैल्यू। ओके, अब हम लोग को ये 500, 600, 700, 1800, 800 कंटूर लाइंस की लेंथ निकालनी है, किस डिस्टेंस पे ये सब लाइंस बनेंगी। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि 470 में कितना ऐड करें कि 500 आ जाए। तो 470 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 500। ओके, तो 470 में 30 ऐड करेंगे तो 500 आ जाएगा। तो ये हमारा डिफरेंस आ गया। क्या आ गया? डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस निकालने के बाद हम लोग जो लेंथ निकालते हैं कि कितनी लेंथ पे 500 का कंटूर इंटरवल होगा, उसको निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं फॉर्मूला, डी अपॉन यानी डिफरेंस अपॉन एक्स। ठीक, अब डिफरेंस क्या है यहां पर 300 और एक्स की वैल्यू क्या है 19.40.47। तो फॉर 500 कंटूर लाइन डिफरेंस क्या है हमारा, डिफरेंस हमारा 330 और एक्स की वैल्यू 90.47। तो हमारा क्या आएगा, 30 डिवाइडेड बाय 90.47 इज इक्वल्स टू 0.33। उसके बाद फॉर 600 कंटूर लाइन के लिए, 600 लाइन के लिए डिफरेंस क्या हो जाएगा, 130, बिकॉज 470 में हम लोग अगर 130 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 600। तो 130 अपॉन x कितना, x यही रहेगा 90.47 इज इक्वल्स टू 130 डिवाइडेड बाय 90.47 इज इक्वल्स 1.43। सिमिलरली फॉर 700, 230 अपॉन 90.47 इज इक्वल्स टू 230 डिवाइडेड बाय 90.47 इज इक्वल्स टू 2.54। सिमिलरली फॉर 800, 330 डिवाइडेड बाय 90.47 इज इक्वल्स टू 90.47 3.64। तो ये हमारी सारी कंटूर लाइंस की लेंथ आ गई फ्रॉम 470, हम लोगों ने 470 से निकाला है। ठीक है, तो क्या किया हम लोगों ने, पहले तो हम लोगों ने डिफरेंस निकाल दिया x की वैल्यू, मैक्सिमम माइनस मिनिमम ऑफ डिस्टेंस। फिर 470 में कितना ऐड करेंगे कि 500 की लाइन मिलेगी, तो 30 ऐड करेंगे। तो इस 30 को हम लोगों ने इस x से डिवाइड किया। सिमिलरली 600 के साथ, 600 में 130 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 600। अब 470 में हम लोग 230 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 700 की लाइन। और 470 में अगर हम लोग 330 ऐड करेंगे तो हमारी आ जाएगी 800 की लाइन। तो ये डिस्टेंसेस आ गई, अब हम लोग इन डिस्टेंसेस को इस पे मार्क करेंगे। तो 500 की लाइन के लिए 0.33 हमने ये वाली लेंथ ली थी, तो 0.33 ये आएगा, 0.3 ये, तो ये हमारी हो जाएगी 500 की लाइन। उसके बाद 1.43 ये हो जाएगी हमारी 600 की लाइन। 470 से लेना है बिकॉज हमने डिफरेंस किसका लिया था, 470 का। 700 की लाइन की है 2.54, तो फिर 470 से 2.54 तो हो जाएगी 700 की लाइन। और फिर फाइनली 3.6 ये हो जाएगी हमारी 800 की लाइन, और ये 850 पॉइंट। तो ऐसे हम लोगों ने एक दो स्पॉट हाइट्स के बीच कंटूर इंटर बेसिस पे कंटूर लाइंस को डेलिमिनेट किया। अब कोई और दो लेते हैं, एक और बार करके देखते हैं। अब हम लोगों ने मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस लिया है, कोई सा भी ये वाला ले लेते हैं, 670 और 1040। तो इसमें ये हमारा 470 है और हमारा 1040 है। ठीक, इसकी लेंथ आई है 6.9 सेंटीमीटर। तो हमें फिर से ग्राफ वर्क करते हैं यहाँ पर, 470 और 1040। ठीक है, इसके बीच हम लोग एक लाइन बना लेते हैं, ये हमारी बस एक रफ वर्क है। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन सी कंट्रोल लाइंस होंगी, 470 के बाद आएगी 500 की, देन 600 की, देन 700 की, देन 800 की, देन 900 की, देन 1000 की।
इसके ऊपर कंट्रोल लाइन नहीं बन सकती, इसमें 1100 की कंट्रोल लाइन नहीं बन सकती बिकॉज ये उससे छोटा है, ठीक है। तो 1040 इससे बड़ा कोई वैल्यू इसमें नहीं है, तो इसका मतलब हमारा अपर लिमिट कंट्रोल इंटरवल की क्या होगी, 1000 मीटर। ओके, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कंट्रोल लाइन इस पूरे दोनों लेंथ के बीच में बनेगी, तो इसकी डिस्टेंस हमारी है 6.9, ठीक। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम जो हमारा एक्स की वैल्यू है वो निकालते हैं। मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन डिस्टेंस, तो मैक्सिमम हमारी क्या है, 1040 माइनस 470 अपॉन 6.9। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 1040 माइनस 470 इज इक्वल्स टू 570 डिवाइडेड बाय 6.9, 82.60 क्या आ गया, ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। तो इसके बाद हमें जो करना है वो हम लोगों को अपने कंटूर का डिस्टेंस निकालना है 470 से। तो 500 के डिफरेंस ऐड करेंगे, फिर 600 का डिफरेंस लेंगे, फिर 700 का, तो फॉर 500 इंटरवल, 500 के लिए हमारा डिफरेंस क्या होगा, 470 में कितना ऐड करेंगे तो 500 जाएगा 30। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी अपॉन एक्स, डी मतलब यहाँ पर डिफरेंस, डिफरेंस कितना है यहाँ पर 470 और 500 के बीच में 30, तो 30 अपॉन 82.60। फॉर 600 130 अपॉन 82.60, 700 के लिए 230 अपॉन 82.60, 800 के लिए 330 अपॉन 82.60, 900 के लिए 430 अपॉन 82.60 और 1000 के लिए 530 अपॉन 82.60। ये कैसे आ रहा है आपको एक बार फिर बता देता हूँ, 470 में कितना ऐड करेंगे कि 500 आएगा 30, 470 में कितना ऐड करेंगे 600 आएगा 130, 470 में कितना ऐड करेंगे 700 आएगा 230। ऐसे डिफरेंस निकालने के बाद हम लोग जो हमारा एक्स की वैल्यू आई थी 82.60 उससे डिवाइड कर देंगे सबको, ये सब कॉमन रहेगा, ठीक है। हर लाइन के लिए, हर लाइन के लिए अलग एक्स की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। जैसे पिछली वाले में कुछ 47 करके थी, इसमें कितनी 82.60, ठीक है, अलग अलग आएगी। सो अब इसको कैलकुलेट करके इन सब की वैल्यूज हम लोगों को लिख लेनी है। तो पहली वैल्यू आएगी 30 डिवाइडेड बाय 82.60, 0.36, ठीक, सिमिलर। ओके, तो ये सारी लेंथ आ गई हैं हमारी 470 से। अब इनको हम लोगों को स्केल से मार्क करना है, ठीक है। तो मार्क करने के लिए हम लोगों ने स्केल ली और पेंसिल ली। अब 500 की लाइन के लिए कितना डिस्टेंस होना है, 0.36, तो हम लोगों ने ये वाला लिया था, तो 0.36 यानी 0.3 यहाँ पर आएगा लगभग, तो ये आ गया हमारा 500 का लाइन। देन 600 का 1.57 हम लोग ने ये फिर से लाइन रखी, 1.5 यहाँ पर आएगा लगभग, ये 600 की लाइन। देन 2.7 हम लोग 470 से ही लेंगे बिकॉज हमने सारा 470 से निकाला था, 2.7 700 की लाइन होगी। 3.99 5.2 देन 3.99 और 5.2 ये होगी हमारी 800 की लाइन, ये होगी हमारी 900 की लाइन। उसके बाद 6.4 ये होगी हमारी 1000 की लाइन। तो यही काम हमको जितने भी हम लोगों ने नेटवर्क बनाए हैं सबके लिए करना है। ओके, तो इसीलिए थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है बिकॉज ये जितने भी नेटवर्क्स हमने बनाए हैं उन सब में हम लोगों को यही काम करना है, सब में इंटरवल्स निकालने हैं हम लोगों को, ठीक है। इसीलिए ये लेंथी प्रोसेस होता है और जितने ज़्यादा नेटवर्क्स होंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट। तो अगर हम लोग ये वाली लाइन लेते हैं 810 और 580 वाली, तो 810 माइनस 580 जो भी आएगा वो हमारा एक्स हो जाएगा। उसके बाद 580 में कितना ऐड करेंगे तो 600 की लाइन आएगी। तो करना कुल मिला के आपको ये है कि पहले तो आपको ये देखना है कि दो स्पॉटलाइट के बीच में कौन कौन सी कंट्रोल लाइन्स आ रही हैं, ठीक। अब ये 455 और ये 500, अब ये वाला देखिए, जब 455 और 500 इसके बीच में एक ही कंट्रोल लाइन आएगी,
455 और 505 के बीच में एक ही काउंट 500 की, तो इसमें एक ही डिवीजन होगा। ठीक, 505 और 580 के बीच इसके अंदर कोई कंट्रोल लाइन नहीं आएगी, इसके अंदर कोई कंट्रोल लाइन नहीं आएगी, बिकॉज ये 505 है और ये 580 है, 600 की इसके बाद आएगी और 500 की इसके पहले आएगी, तो इसको हमने फालतू बना लिया। ठीक, तो ये मत सोचिए कि यहाँ पर कोई कंट्रोल लाइन नहीं आ रही तो ये खराब हो गया, गलत है, नहीं, ज़रूरी नहीं है कि कंट्रोल लाइन आ ही बीच में। ठीक, अब 455 और 630 इसके बीच में कितनी आएगी, 500 की और 600 की। ठीक है, तो अब मेनली काम ये है कि आपको ये सारे डिस्टेंसेज निकालने हैं, जितने भी कंट्रोल लाइन के डिस्टेंसेज होंगे। ठीक है, ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, अब सारा जितना भी हम लोगों को कैलकुलेटिव वर्क करना था और कंट्रोल लाइन मार्क करनी थी वो मार्क कर ली। ठीक है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं 770-800 के बीच में 800 की लाइन, ठीक, 650-950 के बीच में 700-800-900, जो हमने कैलकुलेशन बताया था उसी कैलकुलेशन से मैंने सारी कैलकुलेशन करके जितने भी हम लोगों ने नेटवर्क्स बनाए थे सब में हम लोगों ने कंट्रोल लाइंस के मार्क्स लगा लिए। ठीक, जैसे 540 और 560 इनके बीच में कोई भी कंट्रोल लाइन नहीं बनेगी तो यहाँ पर कोई भी मार्क नहीं लगाए। 650-560 के बीच में 600 एक कंट्रोल लाइन, ठीक, यहाँ पर 390-455 के बीच में 400 एक कंट्रोल लाइन। ठीक, तो ऐसे ही सारी कंट्रोल लाइन्स हम लोगों ने बना ली हैं। अब फाइनल काम कंट्रोल लाइन्स को ड्रॉ करना। तो हम लोगों को करना क्या है कि जो जो कंट्रोल लाइन्स हम लोगों को जिसमें से यहाँ 500 है या 500 है, हम लोगों को ये कंट्रोल लाइन आपस में एक ही लाइन से ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, हम लोगों ने अभी तो मार्क्स लगाए हैं, अब हम लोगों को कंट्रोल लाइन्स खींचनी है। अब उसके लिए हम लोगों को इक्वल हाइट्स वाली जगहें चाहिए होंगी। हम लोग ये 400 वाली लेते हैं, तो 400 वाली अगर यहाँ से हम लोग कंट्रोल लाइन बनाते हैं तो 400, 400, 400, then 400। ठीक, उसके बाद ऊपर इस तरफ कोई भी 400 नहीं है, तो हम लोगों ने ये ऐसे ये लाइन बनाई, ये इधर 400, ये 400 एंड दिस 400। ठीक, ओके, तो हमारी 400 की लाइन बन के रेडी होगी। अब 500 की बनाते हैं, तो हम लोग देखते हैं 500 का पॉइंट कहाँ कहाँ से जा रहा है। तो ये 500 है, ये 500 पेंसिल से लिखा है तो हो सकता है आपको थोड़ा कम दिख रहा हो, लेकिन अगर आप क्वालिटी अच्छी कर लेंगे तो आपको दिख जाएगा पूरा। तो 500, 500, 500, देन दिस 500, 500, 500, तो जहाँ जहाँ जा रहा है हम लोग उसको बनाते जाते हैं। 500 इसको, जितने भी 500 के पॉइंट्स हम लोग के आए हैं इन सबको एक ही लाइन से हम लोगों को जोड़ देना है कि भी इधर 500 आया है एंड देन कहाँ पर है 500, ये 500 है और यहाँ पर भी कहीं 500 आएगा। ओके, इसको हम लोग करते, तो ये 500 का पॉइंट भी आ गया हमारा, ये 500 और ये बाहर की तरफ। ठीक, अब इधर कोई 500 का पॉइंट नहीं दिख रहा है हम लोग को, वो उधर दिख रहा है, उसको हम लोग अलग कर लेंगे। ठीक, अब 600 का पॉइंट देखते हैं, तो यहाँ से ये 600 स्टार्ट हो रहा है, ये फिर ये 600 है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर ये 600 है, तो 600 के सारे पॉइंट्स को हम लोग जोड़ लेंगे, ये 600, देन फिर ये स्टीप टर्न ऊपर 600, देन दिस 600, फिर ये, फिर दिस, अब इधर भी आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कोई बीच में बैरियर नहीं है तो हम लोग इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, ये 600, फिर ये 600, ठीक, और देन दिस, फिर ये 600 और इधर से ये हमारी इधर आ गई। तो मतलब स्टार्ट यहाँ से हुई और ख़त्म इधर हुई। अब 700 का ये वाला पॉइंट है, ठीक, तो ये 700, ये 700, फिर 700 की लाइन, ये जितने भी 700 के पॉइंट्स हैं इन सबको हम लोग एक ही लाइन से ड्रॉ कर ले, इन्हीं को तो कंट्रोल लाइंस बोलते हैं, यही हमारी कंट्रोल लाइंस है, ये 700 का लाइन बन गया। अब 800 भी यहीं से स्टार्ट करते हैं, 800, दिस, ठीक, बाकी कहीं तो 800 है नहीं, ये 800 यहाँ से, ये तीनों पॉइंट्स 800 के और ये बन के 800 की लाइन हमारी। अब 900, ये हमारी 900 की लाइन है, ये दिस, देन दिस एंड लाइक दिस, ये भी 900 है। तो जितने भी 900 के हमारे पॉइंट्स हैं उन सबको हम लोगों को मिला देना है। अब 1000 का ये वाला है, ये हम लोगों ने मिला दिया। अब हम लोगों को ये देखना है
कि कोई पॉइंट क्या आप कहीं बच रहा है, कहीं छूट रहा है, ठीक है, ऐसा कोई पॉइंट जो किसी भी कंट्रोल लाइन से मिला ना हो, ठीक। तो इधर तो हमारे सारे पॉइंट्स लगभग मिल गए, 400, 500, ठीक, ये हम लोग के सारे पॉइंट्स, हम लोग के लगभग बस यहाँ पर ये 500 की लाइन छूट रही है, यहाँ पर तीन पॉइंट्स 500 की छूट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन 500 की बनाएंगे और ये ऐसे हो जाएगी, ठीक। इसको बाहर थोड़ा निकाल देंगे ताकि हम लोग अब इसको नंबरिंग कर लेंगे, ठीक। ये हमारी, ठीक है, तो हमारी ये सारी कंट्रोल लाइंस बन के रेडी हो गई हैं। तो ये 500 की लाइन है, तो यहाँ 500 लिख दिया, ये 600 है, 700, 800, 900, देन 1000, देन अगेन 1000, देन दिस इज 900, 800, 700, 600, 500, 400, 400 एंड देन 500, ठीक है। तो ये हमारी सारी कंट्रोल लाइंस बनके रेडी हो गई हैं। अब इसमें हम लोग क्या करना होता है, इसके बाद का, अच्छा इसमें तो सिर्फ कंट्रोल लाइंस पूछी गई, कंस्ट्रक्ट कंट्रोल लाइंस, तो हमने सिर्फ कंट्रोल लाइंस बना के रख दी। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन ऑफ कंट्रोल लाइंस। एक चीज का आपको ध्यान रखना है इसमें कि कोई भी कंट्रोल लाइन आपस में कट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी कंट्रोल लाइन आपस में ऐसे कट नहीं होनी चाहिए, ठीक। भले ही वो बहुत ही क्लोजली जा रही हैं, भले ही वो आपस में टच करके वापस आ जा रही हैं, ठीक है। ये यहाँ पर वाटरफॉल बनता है, दिस इज नोन एज वाटरफॉल या रैपिड, जहाँ पर दो कंट्रोल लाइन आपस में टच करती हैं वहाँ पर वाटरफॉल बनता है, लेकिन ये कट नहीं करेंगी आपस में, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी दो कंट्रोल लाइन, जैसे 500 और 600 कंट्रोल लाइन, ये आपस में टच ना करे, कट ना करे, ठीक। टच कर सकती है लेकिन कट नहीं करनी चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, ओके। अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है या क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, ठीक। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर बाय चांस यहाँ पर कोई पॉइंट बीच में छूट जाता है हमारा, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट इसमें नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट हमारा रह गया, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पर हमारा 700 और 800 के बीच में यहाँ पर हमारा कोई 600 का पॉइंट इमेजिनरी मान लीजिए आ गया, ये बस हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको होगा नहीं, इसमें नहीं हो सकता इस कंट्रोल लाइन, ठीक। यहाँ पर कोई हाइट आ गई, अब ये पॉइंट आपका बच रहा है, ठीक। तो इसको आप क्या करेंगे, आप कोई पॉइंट सिंगल नहीं छोड़ना है, यहाँ पर आप एक ऐसा सर्कुलर फॉर्म ऑफ कंटूर बना देंगे, तो ये 600 का हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा कंटूर मैप्स में होता है, ऐसा होता है कि कहीं कहीं सिंगल कंटूर्स बने होते हैं आइसोलेटेड, उसका रीज़न यही होता है, ठीक, कि वो वहाँ की जो हाइट है वो एबनॉर्मली इंक्रीज हो गई है या डिक्रीज हो गई है, ठीक। तो उसकी वजह से वहाँ वो किसी कंट्रोल लाइन में मैच नहीं होता है, इसको हम लोग उसको आइसोलेटेड या एक अलग से एक कंट्रोल बना देते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और बना अगर ऐसा कुछ फंसता है तो घबराना नहीं है, सिंगल आपको एक कंट्रोल लाइन बना देनी है। इसके बाद का जो प्रोसेस है दैट इज़ मेकिंग प्रोफाइल्स, ठीक। अब इसमें आप देख के नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा रिलीफ फीचर है, ठीक है। कंट्रोल लाइन्स उन्होंने बना दी, अब यहाँ से आप देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर हिल है, कि इस्कार्पमेंट है, कि सैडल है, कि कॉल है, क्या है, ये आप नहीं बता सकते। इसको बताने के लिए हम प्रोफाइल्स बनाते हैं, वी मेक प्रोफाइल्स। इसका सेक्शन लेते हैं, इसमें एक सेक्शन लाइन बनती है, फिर उसके अलॉन्ग फोल्ड करके हम लोग उसकी प्रोफाइल बनाते हैं। वो प्रोफाइल बनाना, फिर प्रोफाइल कितने टाइप्स की होती हैं, चार टाइप्स की प्रोफाइल होती है, सीरियल प्रोफाइल, सुपर इम्पोज प्रोफाइल, कंपोज प्रोफाइल, प्रोजेक्टेड प्रोफाइल, ठीक है। अब ये चारों प्रोफाइल कैसे बनती हैं, इन कंट्रोल लाइन से प्रोफाइल कैसे बनेगी, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना बहुत ही लंबा टॉपिक हो जाएगा, ओके। तो इंटरपोलेशन इतना ही है, इसके बाद प्रोफाइल ड्राइंग है, ठीक है, जो कि एक अलग टॉपिक है, ठीक, लेकिन इसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है, ओके। या तो आपके एग्जाम में आपको स्पॉट हाइट दी होंगी, आपको इंटरपोलेट करना होगा, या तो आपको कंट्रोल लाइन दी होंगी, आपको सीरियल प्रोफाइल या जो प्रोफाइल दी गई होगी वो बनानी होगी, ठीक। पूरा काम एक साथ नहीं आता है जनरली, बिकॉज फिर बहुत लेंदी हो जाता है, ओके। तो ये टोटल इंटरपोलेशन पे एक्सरसाइज करी हमने, इसमें तो बहुत सारे नेटवर्क थे, बहुत सारे स्पॉट हाइट थे, आपको हो सकता है 5 स्पॉट हाइट दे दें और आपको कंट्रोल लाइन बनानी हो, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इजी आता है, इतना टफ इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आता है, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंटरपोलेशन। कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, मैंने स्टेप बाय स्टेप तो बताया है, और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ग्रुप और चैनल दोनों की लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।